झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। चावल दाल के एक्सपोर्ट पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। जी हां, बेलगाम होती जा रही महंगाई को काबू में करने के लिए सेक्रेटरी पैनल की अहम बैठक हुई है। बैठक के बाद रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री कार्यालय से विचार के बाद फैसला होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में जरूरी खाद्यान्न जैसे चावल दाल चना नमक पर विशेष फोकस रहा। महंगाई पर नियंत्रण, असामान्य कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए आने वाले दिनों में चावल दाल के एक्सपोर्ट पर सरकार की तरफ से कदम उठाया जा सकता है। बैठक में महंगाई से जुड़ने वाले विभागों के सचिव भी शामिल हुए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस से संबंधित खाद्यान्न के स्टॉक पर भी विचार विमर्श किया गया। सूत्रों के मुताबिक सेक्रेटरी पैनल की बैठक में वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग 60-70 आइटम्स की लिस्ट सौंपी है जिनके ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। इंडस्ट्री को इनपुट कॉस्ट में राहत देने के लिए कुछ दिनों में एंटी डंपिंग, कस्टम्स, एक्सपोर्ट सेस जैसे कई टैक्स में बदलाव की घोषणा देखी जा सकती है। बैठक में इस बार चावल, दाल, चना, नमक जैसे जरूरी सामानों पर फोकस रहा। आपको बता दें कि सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी पाबंदी लगा रखी है और ये पाबंदी 1 जून 2022 से लागू होगी। इस रोक का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगाना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो चीनी के निर्यात की मंजूरी चीनी निदेशालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की स्पेशल अनुमति के साथ ही दी जाएगी। सरकार ने इससे पहले भी महंगाई को काबू करने के लिए पेट्रोल डीजल पर रोड इंफ्रासेस की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इससे पेट्रोल 9.5 रुपये तो डीजल 7 रुपये तक सस्ता हो गया था। इसके बाद राज्यों ने भी वैट में कटौती की थी जिसके बाद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल और सस्ता हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।